ये मैं जैसे ही कपड़ा धोने जा रही थी वैसे ही आदमी इनके घर आकर चिल्लाते हुए बोलता है, आंटी आपका बेटा पीकर सड़क किनारे गिरा हुआ है। जो सुनिए माँ अपना कपड़ा फेंक कर रोते हुए अपने बेटे के पास आकर हाथ पकड़ कर घर चलने को बोलती है, लेकिन बेटा अपनी माँ पे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम घर जाओ मुझे और पीना है। और काफी मनाने के बाद बेटा अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगता है और माँ अपने बेटे को समझाते हुए आगे चल रही थी। थोड़ी देर बाद जब पीछे मुड़कर देखती है तो बेटा मिट्टी में सोया हुआ था। बेटा हर रोज सुबह काम पे निकल जाता है और पूरे दिन जो पैसे कमाता है उन सभी पैसे का पीकर सड़क किनारे उलट जाता है। और ये माँ हर रोज अपने बेटे को ढूंढ कर अपने घर लाती है, लेकिन एक दिन माँ अपने बेटे को ढूंढने नहीं जाती तो लड़का थक हार कर खुद अपने घर आ जाता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं देखता तो अंत में हिलते डोलते घर के अंदर आता है तो देखता है कि इसकी माँ सोई हुई है। तो बेटा काफी बेचैन होकर अपनी माँ के पास बैठकर बड़े ही गौर से अपनी माँ को देखने लगता है तो पता चलता है कि इसकी माँ हमेशा के लिए सो गई है, जो देख बेटा चीख चीख कर रोने लगता है। इस माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो